नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीएलसी टेक में। मैं आपका स्वागत करता हूं बहुत ही। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बता देता हूं। हमारा जो आपका टॉपिक है वह सीएनसी टर्निंग प्रोग्राम विद कंपनसेशन। सीएनसी मशीन पर हम कंपनसेशन के साथ में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। पर आगे चलने से पहले हमारे जो नए व्यूवर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पीएलसी टेक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ ये रेड सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए, ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसका लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड देख लेते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। सीएनसी प्रोग्राम के अंदर हम कंपनसेशन के साथ में टर्निंग प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। इसके अंदर जो हमारी जॉब है वह हमारी इस तरह की है। इस तरह की हमारी जॉब रहेगी। इसकी जो डायमेंशन है, ये डायमीटर 60, ये 50 और यहाँ पर ये 40 है। मींस स्टेप जॉब है हमारी। और इसकी जो लेंथ है ये यहाँ पर 25, यहाँ से यहाँ तक 25, फिर 25। मींस ये टोटल 75 mm की है और इसका मैक्सिमम डाया 60 है, मिनिमम डाया 40 है। इसके बाद जो हमारा टूल पाथ रहेगा, वह टूल पाथ हमारा रहेगा राइट टू लेफ्ट। ये हमारा टूल पाथ राइट टू लेफ्ट रहेगा, ये हम एरो के साथ में देख सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो टूल रहेगा यह हमारा इस तरह का टूल रहेगा जिससे हमें इसकी टर्निंग करनी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको जॉब के डिटेल दिखा दी है कि ये मेरा जॉब है, इसकी जो डायमेंशन है ये भी मैंने आपको दिखा दिया, टूल हमारा किस तरह से चलेगा और किस तरह का हमारा टूल रहेगा ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पर मैं जो टूल नोज रेडियस यूज करने वाला हूँ वह रहेगी 1.2 R की टूल नोज रेडियस रहेगी। और इसका जो हम ऑफसेट टूल में ऑफसेट रहता है, और सॉरी मशीन में जो ऑफसेट रहता है उसमें हम आर के नीचे 1.2 लिखेंगे। और जो टूल होल्डर टाइप रहता है, मींस जो हमारे ऑफसेट में एक एक्स का पॉइंट रहता है, एक जेड का, जिसमें हम एक्स और जेड की पोजीशन डली रहती है। और जो हमारा आर का होता है उसमें हम रेडियस डालते हैं, और टी जो फोर्थ नंबर पे रहता है उसमें हम टूल टाइप डालते हैं। तो इस टूल के लिए हमें 8 नंबर डालना होगा। अब हम यहाँ पर जो टूल होल्डर यूज करने वाले हैं उसका नाम है MWJNL 2525M06। मीन्स ये हमारा टूल होल्डर रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग हमारी इंसर्ट क्या रहेगी ये भी हम देख लेते हैं। हमारी जो टूल की इंसर्ट रहेगी वह रहेगी मेरी WNMG 060412। इसमें जो हर एक अल्फाबेट है और न्यूमेरिक वर्ड है, न्यूमेरिक है, इनका हर एक का मीनिंग अलग अलग होता है। उसके डिटेल के लिए, उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, उसकी डिटेल के लिए आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं, हाउ टू सेलेक्ट टूल होल्डर फॉर इंसर्ट। उस वीडियो में आपको हर एक वर्ड का डिटेल आपको मिल जाएगा। तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमने जो भी कोड यूज किए हैं वो क्या क्या है, उनको मैंने डिटेल में यहाँ पर दिखाया हुआ है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर पर जो मैंने दिया है प्रोग्राम नंबर है। प्रोग्राम नंबर क्योंकि हमारा 01 से लगाकर 9999 तक हो सकता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम नंबर ले लेते हैं। उसके बाद T000 ये हमारा होता है टूल एंड ऑफसेट कैंसल। मीन्स अगर हम इसको प्रोग्राम में दे देते हैं तो वहाँ पर हमारा टूल ऑफसेट और टूल नंबर और ऑफसेट नंबर कैंसिल हो जाता है। G28 हमारा होता है रेफरेंस रिटर्न। T0202 हमारा होता है टूल नंबर और ऑफसेट नंबर। यहाँ पर भी मैंने इसको अलग अलग दिखाया हुआ है, T02 टूल नंबर है और 02 ऑफसेट नंबर है। उसके बाद ये जी कोड है हमारा G50 मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड, G96 कांस्टेंट कटिंग स्पीड, G97 सरफेस कटिंग कैंसल, M03 स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज, और S मीन्स हमारा होता है स्पिंडल रोटेशन 2200। ये जी कोड और एम कोड, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाकर जल्दी डालने वाला हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा।
क्योंकि हमारे जी कोड जो होते हैं इनको हम प्रिपरेटरी कोड बोलते हैं, और एम कोड जो होते हैं उनको मिसलिनियस कोड बोलते हैं। तो बाकी डिटेल की इसकी वीडियो में जल्दी डालने वाला हूँ। G0 हमारा होता है रैपिड इंटरपोलेशन, G01 होता है हमारा लीनियर इंटरपोलेशन, G41 कंपनसेशन लेफ्ट और G42 कंपनसेशन राइट। एक्स एक्स की पोजीशन जेड में जेड एक्सिस वाली पोजीशन रहेगी, यू में हम एक्स पोजीशन में डालते हैं पर इसको हम इंक्रीमेंट में यूज कर लेते हैं। M07 जो होता है हमारा कूल एंड ऑन के लिए होता है, और M09 कूल एंड ऑफ के लिए, M05 स्पिंडल स्टॉप रहता है, और M19 हमारा होता है स्पिंडल ओरिएंटेशन, M30 हमारा प्रोग्राम एंड के लिए और रिसेट के लिए दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए हम G41 और G42 को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि हमें कहाँ पर G41 और G42 को सेलेक्ट करना है। तो इसमें आप देख लीजिए ये हमारी जॉब है, अगर हम इस जॉब के लेफ्ट से और राइट से लेफ्ट की साइड में इधर से टर्निंग करना शुरू करते हैं, इधर से इस टूल पास से जाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट को माने टूल और जॉब के बीच में, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट रहेगा, तो इस टाइम पर हमारा जो टूल नोज रेडियस कंपनसेशन रहेगा वह लेफ्ट रहेगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में हमारा टूल रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर G41 का यूज करेंगे। पर अगर हम ये देखिए नीचे नीचे यहाँ पर अगर सब्जेक्ट रखते हैं, ये हमारा टूल पाथ रहता है, यहाँ से हमारा टूल जाता है ऐसे, मीन्स राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट को टूल और जॉब के बीच में माने, तो यहाँ पर हमारा जो टूल नो जेनरेटिस कंपनसेशन रहेगा वह राइट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा टूल सब्जेक्ट के राइट साइड में है, मीन्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में है, तो इसका सिलेक्शन हम इसी बेस पर करते हैं। ये तो होता है हमारा आउटर के लिए, अगर हम आउटर पर टर्निंग कर रहे हैं, पर अगर हमें इनसाइड में टर्निंग करनी हो तो उसका हम कैसे सिलेक्शन करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको अगर इसकी G41 G42 की और ज़्यादा डिटेल लेनी है, तो आप मेरी वीडियो है जिसका नाम है हाउ टू वर्क द G41 G42, वह आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ये हमारा, अगर हमें अंदर की साइड में कहीं पर टूल को चलाना है और उसके लिए G41 और G42 का सिलेक्शन करना है, तो उसमें हम कैसे सेलेक्ट करेंगे उसके लिए देख लीजिए। ये मेरा ये मैंने जो दिखाया हुआ है ये सब्जेक्ट है, और ये जो एरो से मैंने दिखाया ये हमारा टूल पाथ है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इस वाले फिगर में, तो यहाँ पे क्या है कि मेरा सब्जेक्ट ये इस पोजीशन पे है, और यहाँ से मैं टर्निंग कर रहा हूँ, क्योंकि टर्निंग मेरी लेफ्ट में हो रही है, टूल मेरा राइट में है, ये मेरा टूल रहेगा। तो यहाँ पर आप भी अब सोच सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर टूल हमारा राइट में रहता है तो वहाँ पर हम G42 का यूज करते हैं, और अगर हमारा टूल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, जैसे कि इस वाली फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये मेरा टूल है, टूल पाथ इधर से रहेगा, तो टूल इधर में लेफ्ट में रहेगा, तो यहाँ पर मैं G41 का यूज करूँगा। तो ये हम मोस्टली वैसे VMC पर यूज करते हैं, पर ये CNC और VMC दोनों के लिए एप्लीकेबल रहता है। इसकी भी अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो G41 G42 को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो जॉब है, जॉब के बारे में हमने जान लिया है, कंपनसेशन के बारे में भी हमने जान लिया है, कौन सा टूल हमने यूज करना है वह भी हमने जान लिया है, इंसर्ट कौन सी यूज करनी है वह भी हमने जान लिया है। अब इसको हमने ऑफसेट में भी लिख लिया है, तो अब हमको प्रोग्राम डालना है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी बताया था, हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोग्राम नंबर। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम नंबर लिया है 3, उसके बाद में हमने टूल ऑफसेट कैंसिल कराया है और टूल नंबर भी कैंसिल कराया है। इसको आप चाहो तो कैंसिल करा लो तो अच्छा है, सेफ रहता है, वरना G28 से भी हम यूज करके अपने टूल को रेफरेंस कराते हैं। इसके बाद G0, G28, X0, Z0 मीन्स टूल को मशीन को हमने रेफरेंस कराया X और Z पोजीशन में। यहाँ पर हमने टूल नंबर T0202 सेलेक्ट किया है। इसके बाद G50S2200, G50 होता है हमारा मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड, S2200 मीन्स स्पिंडल हमारे जो है 2200 RPM से घूमेगा।
पर G96 जैसे कि हमने दिया है यहाँ पर, ये कांस्टेंट कटिंग स्पीड के लिए होता है, तो यहाँ पर जो कटिंग स्पीड रहेगी वह 350 तक रहेगी। इसका यूज हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें फेसिंग भी करनी होती है। अगर हमें केवल टर्निंग टर्निंग करना हो तो हम G96 का यूज ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। M03 होता है हमारा स्पिंडल रोटेशन ऑन क्लॉकवाइज। इसके बाद ये देखिए हमने, तो इसके बाद में हम सेलेक्ट करेंगे पोजीशन, मशीन की पोजीशन क्या रहेगी। सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी जेड और एक्स की पोजीशन रहती है उससे हम थोड़ा प्लस में ही रखते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर रखा है G0X100, जेड में 10 और X G0X100, Z10। यहाँ पे क्या रहेगा कि इसका जो हमारा जॉब का डाया मैक्सिमम 60 है, और जो एक्स जेड में जो पोजीशन है वह हमने यहाँ पर फेस पर 0 लिया हुआ है, तो यह 10 mm प्लस पर रहेगा और एक्स में 100 पर रहेगा। उसके बाद मशीन को हम G0X0 पर लेकर आए, मीन्स मशीन के जॉब के सेंटर तक हम लेकर आए, 10 mm दूरी पर ही रहेगी मशीन, जेड में और एक्स में वह सेंटर पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखे हमने G0G42, मीन्स यहाँ पर हमने कंपनसेशन का यूज किया हुआ है। कंपनसेशन मीन्स अब क्या होगा कि टूल हमारा कंपनसेशन लेगा जो हमने ये रेडियस दी हुई है 1.2 R की, इस टूल नोज रेडियस के अकॉर्डिंग टूल अपने आप ही, मशीन अपने आप ही इसको कंपनसेट करेगा और आगे का पाथ को मूव करेगा। तो ये हमने G42 क्यों लिया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारा जो टूल राइट साइड में रहता है, राइट हैंड साइड रहता है, तो हम उसके लिए G42 का यूज करते हैं। उसके बाद G01, G0, Z0, F.35 रहेगी, मीन्स हमारा टूल इस फेस पर आकर टच हो जाएगा और फीड यहाँ पर 0.35 की रहेगी। उसके बाद कूलेंट टोन, क्योंकि अब हमारा टूल कटिंग करेगा तो हमने कूलेंट टोन करा दिया है, और इसकी जो पोजीशन रहेगी G01X40Z0, मीन्स अब यहाँ से टूल मूव करते हुए अब ऊपर की साइड जाएगा फेसिंग करता हुआ और कॉर्नर पर X40 पर आकर रुक जाएगा। उसके बाद यहाँ से इस कॉर्नर से जेड में -25 जाएगा, मीन्स इस कॉर्नर तक आकर रुक जाएगा। फिर G01X50 पर जाएगा, मीन्स ये जो हमारा 40 का डाया था यहाँ से टूल मूव करता हुआ X50 पर जाकर रुक जाएगा। इसके बाद की जो पोजीशन है उसमें क्या होगा कि हमारा टूल X50 से, ये जो हमने मूव कराया यहाँ पर इस कॉर्नर से जेड में -25 जाएगा, ये 25 है, पर इसमें क्योंकि हमने 0 यहाँ पर माना हुआ है तो इसको हमने ऐड कराना पड़ेगा, मीन्स माइनस में 25 mm तक ये जाएगा, और इसमें जो फीड रहेगी वह भी 0.3 की रहेगी। अगर हम यहाँ पर फीड अलग से देते हैं तो मशीन वह वाली फीड लेगी, पर अगर हमने कोई फीड नहीं दी है तो मशीन उससे पहले वाले पॉइंट की फीड उठाकर उसमें यूज कर लेगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से X60 तक G01X60 पर मशीन जाएगी, और क्योंकि हमें फिर जेड में ले जाना है और -25 है, तो ये फिर ऐड होकर -75 हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक नया पॉइंट इसमें डाला हुआ है यूज करते हुए मैंने प्रोग्राम बनाया है। यू का प्रोग्राम मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं बता सकूं कि एक्स में हम यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर इसका हम इंक्रीमेंटल की तरह यूज करते हैं कि इंक्रीमेंटल में जिस पॉइंट पर टूल रहेगा उसको 0 मानकर आगे की पॉइंट पर जाएगा। तो यहाँ पर G0U5 मीन्स इस कॉर्नर पर आने के बाद एक्स में 5 mm ऊपर जाएगा टूल, और G0G40 यहाँ पर मैंने कंपनसेशन को कैंसिल कराया है, और अब टूल हमारा जेड में 10 पर, मीन्स यहाँ कहीं एक पोजीशन रहेगी उस पर जाकर रुक जाएगा। इसके बाद स्पिंडल स्टॉप M05 से स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा, M19 से हमारा जो ओरिएंटेशन होता है स्पिंडल का वह ओरिएंटेशन हो जाएगा, मीन्स एक पोजीशन पर आकर रुक जाएगा, और M09 हमारा होता है कूलेंट ऑफ का, मीन्स हमने अब हमारा कूलेंट ऑफ हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके बाद G0G28X0Z0 मशीन रेफरेंस हो जाएगी, 200 से हमारा टूल
का जो ऑफसेट नंबर है वह भी कैंसिल हो जाएगा और टूल नंबर भी कैंसिल हो जाएगा। आप इसको यूज कर रहे हो तो सेफ है, वरना अगर हम इसको यूज भी नहीं करते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम ठीक से चलेगा। और M30 जैसा कि मैंने बताया था, हम इसको प्रोग्राम के एंड में यूज करते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम एंड होता है और रिसेट हो जाता है। इसके बाद मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने जो टूल यूज किया है उसका नाम है MWGNL 2525M06 और इंसर्ट जो है W1MG060412। इसकी डिटेल हमने इस इंसर्ट को कैसे सेलेक्ट किया है या टूल होल्डर का फुल नेम क्या है, इंसर्ट का फुल नेम क्या, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, उसके लिए आप हमारी वीडियो हाउ टू सेलेक्ट द टूल होल्डर फॉर इंसर्ट उसको चेक कर सकते हैं। और हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग, माइक्रो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज क्या होती है। ये माइक्रो प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग होती है कि अगर हमने किसी जॉब को मीन्स जॉब है और वह बहुत बड़ी जॉब है, उसकी डेप्थ में हमें डेप्थ तक उसकी जैसे कि कोई जॉब है 50 mm की हाइट है और उसके चारों ओर हमें टूल से घुमाना है, वह हमारी रेक्टेंगुलर है, उसके चारों तरफ हमें टूल से टर्निंग करनी है VMC पर और उसकी डेप्थ में 50 mm तक की हमें टर्निंग करनी है, तो उसके लिए हम अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। पर अगर हम माइक्रो प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो उसके थ्रू हम केवल 8 से 10 लाइन में ही प्रोग्राम बना देंगे और वह हमारा पूरा जॉब टर्न कर देगा। तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर एक्सरसाइज भी करेंगे, उसके बेसिक भी बताएंगे और जो एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है उसके उससे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक्सपीरियंस होल्डर से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई या सजेशन देना हो तो वह भी आप हमारे से शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में लिखकर हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल PLC Tech सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड वाला बटन क्लिक करके आप सब्सक्राइब हो जाइए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।